कि अगर ये हमें रोड नहीं दिया गया तो हम रोड बंद करेंगे। एसडीएम साहब, हम रोड बंद करेंगे। उस पैसे नहीं आ रहे, हम कहाँ से देंगे? पैसे छोड़ेगी गवर्नमेंट जूता भी देंगे। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। हम पहले तो आपका दानिश भाई शुक्रिया करते हैं कि आज तक हमारे इस काठा पंजाल गांव में कोई नहीं आया है, ना कोई मिनिस्टर, ना ताज साहब, ना शफी साहब, कोई नहीं। वोट लेने के टाइम हर एक आता है, मेंबर भी आते हैं, सरपंच भी आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं, लेकिन जब वोटिंग हो जाती है, कोई भी जीता है, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आता है। उस टाइम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। हम आज पहली बार इस काठा पंजाल गाँव में मीडिया वाले दानिश भाई आप आए हो, इसके बगैर आज तक ना कोई मीडिया वाला यहाँ पे आया, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई अफसर, कोई नहीं आया है यहाँ पे। अब हम एसडीएम साहब उड़ी से यही अपील करते हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ रोड चाहिए। जो रोड लमी डोगी टू काठा पंजाल सेंक्शन किया गया है 3.5 किलोमीटर, इस रोड की हम अपील करते हैं कि हमें इस रोड का काम जल्द से जल्द लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं बहुत मुसीबत से हैं। दानिश भाई आप खुद यहाँ से ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ के आए, यहाँ से ठीक ठाक आदमी को, मेरे और आप जैसे यंग आदमी को लगता है 1 घंटा लगता है यहाँ तक। तो अगर कोई बीमार हो जाए या कोई लेडीज बीमार हो जाए, डिलीवरी केस हो, कुछ भी हो, तो आप बताओ कि उसको कितना टाइम होगा और उसको कितनी मुश्किल होगी। ऊपर से अगर यहाँ पे सर्दियों के टाइम मौसम ख़राब हो जाए, बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे 4 से 5 फुट तक, अगर उस टाइम कोई डिलीवरी का केस हो या कोई बीमार हो जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए, तो आप ही बताओ यहाँ से नीचे तक उसको कितना टाइम लगेगा। वो उसकी डेथ तो पहले रास्ते ही पर हो जाएगी। ये सिर्फ लापरवाही की है यहाँ के जो सरपंच है, उन्होंने आज तक इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा, और यहाँ उड़ी के जो मिनिस्टर हैं या उड़ी के पहले जो एसडीएम साहब थे उड़ी में, ये जो आज आए, इनके पास हम नहीं गए, इनके आज हम अपील करते हैं इनसे कि ये यहाँ मौके पे आके यहाँ लोगों की हालत देखें। लेकिन जो पहले एसडीएम उड़ी में थे, उनके पास हमने कोई सोच अकर किया, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई नहीं सुनी। फिर हम उड़ी तहसील में भी जाते रहे, उधर हमारी इस रोड की फाइलें, कागज़ें सब कुछ दबा दिया है, कोई भी चीज़ आज सामने नहीं आ रही। बोलते हैं आज लगेगा काम, कल लगेगा, हमने इसको दे दिया है, आरएमबी को दिया है। अब हम यही अपील करते हैं कि आरएमबी से इस रोड को आरएमबी में नहीं देना है, हम उसमें पीएमजीवाई में इस रोड को देना चाहते हैं, क्योंकि उस पर हमें उम्मीद है वो इस रोड को काम करेगी। और पहले उम्मीद तो हम रखते हैं एसडीएम साहब उड़ी से, क्योंकि वो अगर चाहेंगे तो यहाँ रोड आ सकती है इस गांव काठा पंजाल में, तो वो आके यहाँ हमारी बात सुने। अगर नहीं हुआ तो हम जो यंग पार्टी है, यहाँ की यंग लड़के हैं, तो ये कल को नेशनल हाईवे भी बंद कर सकते हैं। इस गाँव का नाम है काठा पंजाल और चाड़ियाँ। इस काठा पंजाल और चाड़ियाँ में लम्बी डोगी टू काठा पंजाल चाड़ियाँ को जो रोड NHPC रोड 25 फुट ये रोड बना हुआ, ये दे दिया गया था। इसकी अप्रूवल हुई और इसके सर्वे हुए। आरएनबी ने यहाँ पर काम लगाया जिसमें 10 लाख रुपया उन्होंने इस पर सर्फ किया है। करने के बाद एसडीएम साहब, पुलिस वगैरह तमाम अमला, तहसीलदार तक वहाँ थे। उसके बाद 2017 में उन्होंने जब काम लगाया, उसके बाद 2018 में उन्होंने कहा कि फंडस आई है, लेकिन काम नहीं लगा। आज हम एसडीएम साहब से, डीसी साहब से मैं अपील कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं ये सफ़र कर रहे हैं, इनको इस रोड जो NHPC रोड काठा पंजाल तक आया है, इस रोड को मरम्मत करके हमें यहाँ तक रास्ता दिया जाए, ताकि हमारे बुज़ुर्ग लोग और बीमार लोग रास्ते में उनकी डेथें हो जाती हैं। और कोई ऐसा भी है
कि जो हमलावर औरतें हैं उनकी डिलीवरियां रास्ते में हो जाती हैं, नहा यहाँ पर कोई अस्पताल या किसी का हमें कोई सहूलियत नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ गाड़ी मिलना भी मुश्किल हो जाती है रोड पर उतरकर। मैं इसलिए एटीएम साहब से ये अपील पर जोर करता हूँ कि आप हमें ये काठा बंजार जमीनों की रोड को साफ करके हम काठा बंजार और चाड़ियों को ये दे दें ताकि आवाम अपना अपना गुजारा कर सके। हमें 1 किलोमीटर राशन लेना पड़ता है बांडी से, जो कि हम वहाँ से लाते हैं और हमें 2 मजदूर लगा के घर में पहुँचाना पड़ता है। अगर बीमार कोई हो जाता है तो उस बीमार को लेते लेते रास्ते में डेथें हो जाती हैं। अगर कोई डिलीवरी होती है तो उसको लेते लेते रास्ते में डिलीवरियां हो जाती हैं। हमारे कोई सूरत नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर जनाब हस्पताल उड़ी में है और 5 किलोमीटर महुरा में है। इसलिए मेरी पुरजोर गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि अगर ये हमें रोड नहीं दिया गया तो हम रोड बंद करेंगे। एसडीएम साहब, हम रोड बंद करेंगे, उस वक्त आप खुद जिम्मेदार होंगे। मेरी ये अपील है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूँ और हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि हमें यहाँ पर आज दिन तक हमारे इधर कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से हम उतर कर जाएं, हमारे बच्चे अनपढ़ पड़े हैं, नौकरियों से बेकार हुए हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि यहाँ पर इस गांव को देखा जाए और एसडीएम साहब से मैं पुरपजार अपील करता हूँ कि वो आकर यहाँ का मायना करें। यहाँ के लोग जो है अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड की प्रॉब्लम है, रोड नहीं है। हम रास्ते में बीमार, कोई इतनी डिलीवरी हो जाती है, चल नहीं पाते हैं, बीमार भी रास्ते पे मर जाता है, कंधे में उठाना पड़ता है और यही परेशानी है रोड की। राशन लाने में भी प्रॉब्लम है बहुत, रोड की राशन नहीं मिल रहा है। जब राशन लाते हैं चढ़ाई को एक दो आदमी लगते हैं, किसके पास पैसा होगा वो देगा, गरीब से कुछ कहाँ से लाएगा, फिर खुद ही कंधे पे 1-2 दिन लग जाते हैं चढ़ाई में। तो क्या चाहते हो बस? गवर्नमेंट के यही अपील करते हैं हम, हमें रोड चाहिए और क्या करेंगे। बारामूला में पहली बार बॉम्बे डाइंग, एक मुकम्मल वेडिंग स्टोर जहां बॉम्बे डाइंग के साथ साथ डी डेकोर, पोर्टिको इंडिया, सैप्रोस और ऑब्सेशन के अलावा यहां पर कंफर्टर्स, किड्स बेडशीट्स, टॉवल्स, राजस्थानी डोहार्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स और सर्विकल पिल्लोज भी दस्तियाब है। शादी ब्याह के मुकद्दस बंधन में बंधने वाले अपने हसीन ख्वाबों की तकमील के लिए हमारे पास तशरीफ ले आइए। यहां आपको शादी ब्याह के दिलकश ब्रांडेड आइटम्स के अलावा एक से बढ़कर एक आरामदेह स्लिपर्स, सोप डिस्पेंसर्स, लॉन्ड्री बैग्स, निट क्राफ्ट कोस्टर्स, हैंडबैग्स और टेबल मैट्स भी मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब रहेंगे। अब आपको ब्रांडेड आइटम खरीदने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, एक बार हमें जरूर खिदमत का मौका दे। याद रखे और तशरीफ ले आए बॉम्बे डाइंग, नजदीक सीमेंट ब्रिज, अपोजिट हंडवारा सुमो स्टैंड, मेन चौक, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 9906588733, 9596523008।